नमस्ते। आपने यह सुना होगा कि कल ही हमारे प्रधानमंत्री ने कैशलेस ट्रांजैक्शंस के लिए एक नया ऐप लॉन्च किया है, भीम। तो इस वीडियो में हम जानते हैं कि इस ऐप को डाउनलोड से लेके इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर पे क्लिक कीजिए। तो सर्च बार में लिखिए भीम नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने ये ऐप बनाया है भीम। तो आपके सामने ये रिजल्ट्स है। इसमें ये वाला ऐप जिसमें भीम लिखा है और नीचे लिखा है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उस पे क्लिक कीजिए और अब इंस्टॉल पे क्लिक कीजिए। तो डाउनलोड शुरू हो गया है। अब आप ओपन पे क्लिक कीजिए। तो ऐप के खुलने पे ऐसी स्क्रीन आती है। अब हम भाषा सिलेक्ट करेंगे। हम यहाँ पे इंग्लिश सिलेक्ट कर रहे हैं। अब नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए और यहाँ भीम के बारे में कुछ जानकारी दी है। पहले बताया है कि सारे लेन देन यूपीआई के द्वारा होते हैं। दूसरी बात ये बताई है कि जो भी पैसे हैं वो सीधे बैंक खाते में जाते हैं। यहाँ पे कोई वॉलेट नहीं हो रहा, इस्तेमाल हो रहा। तो आपका सब लेन देन बैंक से होगा। और अंत में बताया है कि आप क्यूआर कोड को स्कैन करके भी लेन देन कर सकते हैं। अब जानकारी पढ़ने के बाद आप नेक्स्ट दबाइए। अब ये हमारा नंबर वेरीफाई करने के लिए एसएमएस भेजना चाहता है, इसलिए हमसे कुछ परमिशन मांग रहा है। तो नीचे लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक कीजिए। अब ये कुछ परमिशंस मांग रहा है, उस पे अलाउ कीजिए। कभी कभी ऐसी स्क्रीन आ सकती है। इसका अर्थ है कि कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपना इंटरनेट नेटवर्क चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप वाईफाई यूज कर रहे हो तो मोबाइल डेटा यूज करने की कोशिश करो और इससे यह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। सब सही होने के बाद ये ऐप पूछेगा कि हम किस नंबर से एसएमएस भेजें। इसमें तो एक ही नंबर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपके मोबाइल में दो सिम है तो आपको वो सिम सिलेक्ट करना चाहिए जिसके जुड़े हुए बैंक खाते से आप लेन देन करना चाहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट दबाइए। मोबाइल फोन वेरीफाई करने के बाद ये आपसे एक पासपोर्ट सेट करने को बोल रहा है। आप बाद में जब भी ऐप खोलोगे आपको ये पासपोर्ट डालना पड़ेगा ताकि कोई और आपका ऐप खोल ना सके। तो आप कोई भी 4 डिजिट डालिए, बट आप याद रखिएगा कि आपने क्या पासपोर्ट डाला। तो हमने कुछ डाला और फिर आप टिक मार्क पे क्लिक कीजिए। तो एक बार आप कंफर्म कर लीजिए आपने क्या डाला। तो पहले जो डाला वो कोड वापस डालिए, वापस टिक मार्क पे क्लिक कीजिए। अब हमें बैंक सिलेक्ट करनी है। तो मेरा खाता कैनरा बैंक में है तो मैं सिलेक्ट करूंगा कैनरा बैंक। बैंक सिलेक्ट करने के बाद यह ऐप ढूंढ के बताएगा कि उस बैंक में इस नंबर से कौन सा खाता जुड़ा है, उस पर क्लिक कीजिए। कभी कभी अगर तकनीकी खराबियों की वजह से खाता ना दिखे तो आप थोड़ी देर बाद वापस ट्राई कीजिए। अब इस खाते के लिए वो एक यूपीआई पिन सेट करने को बोल रहा है, तो सेट यूपीआई पिन पे क्लिक कीजिए। देखिए, यूपीआई पिन से आपके आगे के सारे ट्रांजैक्शंस यानी सारे लेन देन हो पाएंगे। यूपीआई पिन एक लेन देन का पासवर्ड है। तो यूपीआई पिन अगर आपको याद है तो ही आप लेन देन कर सकते हैं। अब यूपीआई पिन सेट करने के लिए ये चाहता है कि हम अपने डेबिट कार्ड के आखिरी 6 डिजिट्स और उसकी एक्सपायरी डेट इस ऐप में डालें। तो चलिए वह करते हैं। मैं अपने डेबिट कार्ड की जानकारी डाल रहा हूँ और आप अपने डेबिट कार्ड की जानकारी डालिएगा। अब टिक मार्क पे क्लिक कीजिए। अब ये एसएमएस द्वारा आपको एक ओटीपी भेजेगा
और उसके मिलने के बाद आप यूपीआई पिन सेट कर सकते हैं। तो याद रखिए आपने क्या सेट किया, उससे कंफर्म कीजिए और आगे बढ़िए। चलिए अब आपको थोड़ा जानते हैं। नीचे के तीन ऑप्शंस देखिए, ट्रांजैक्शंस, प्रोफाइल और बैंक अकाउंट। तो सबसे पहले जानते हैं ट्रांजैक्शंस के बारे में। ट्रांजैक्शंस एक पासबुक की तरह है जिसमें आपके लेन देन की सारी जानकारी दी गई होती है। तो यहाँ कोई लेन देन नहीं है इसलिए खाली। अब जानते हैं प्रोफाइल के बारे में। तो प्रोफाइल पे क्लिक करिए और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्यूआर कोड बना हुआ है, फिर मेरा मोबाइल नंबर @UPI लिखा हुआ है और मेरा नाम लिखा हुआ है। तो ये क्यूआर कोड इसलिए है ताकि अगर किसी को मुझे पैसे भेजने हो तो वो इस क्यूआर कोड के जरिए भेज सकता है। फिर वो मेरा मोबाइल नंबर @UPI इसलिए है कि किसी को अगर क्यूआर कोड के बिना मुझे पैसे भेजने हो तो मेरे मोबाइल नंबर के द्वारा पैसे भेज सकता है। इसके बारे में हम आगे और जानेंगे। आप डाउनलोड बटन के जरिए अपना क्यूआर कोड डाउनलोड कर सकते हैं और फिर कहीं प्रिंट करवा के लगा सकते हैं। और शेयर बटन के जरिए आप किसी दोस्त के साथ या किसी कस्टमर के साथ अपना क्यूआर कोड शेयर कर सकते हैं। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद ये कुछ और परमिशंस मांगेगा, जिसे अलाउ करने के बाद ये क्यूआर कोड आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। तो अब हम जानते हैं बैंक अकाउंट के बारे में। तो उस पर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने एक तो आपका अकाउंट दिया हुआ है और उसके नीचे आपको दिख रहा है रीसेट यूपीआई पिन, चेंज यूपीआई पिन और रिक्वेस्ट बैलेंस। रीसेट यूपीआई पिन में आपको वापस अपने डेबिट कार्ड के लास्ट 6 डिजिट्स और एक्सपायरी डेट डाल के वापस यूपीआई पिन बनाना होगा। चेंज यूपीआई पिन में आप अभी का यूपीआई पिन डाल के नया यूपीआई पिन डालें, उससे यूपीआई पिन बदल जाएगा। रिक्वेस्ट बैलेंस में आप यूपीआई पिन डाल के बैंक खाते का बैलेंस जान सकते हैं। अब आप ऊपर के 3 डॉट देखें तो आपके पास ऑप्शन है चूज लैंग्वेज, जनरेट क्यूआर कोड, FAQs, अबाउट अस और लॉग आउट। तो चूज लैंग्वेज में आप वापस लैंग्वेज बदल सकते हैं, पहले हमने इंग्लिश चूज किया था, आप हिंदी भी चूज कर सकते हैं। FAQs में आपको एक वेबसाइट पे ले जाएंगे जहाँ पे बहुत सारे आम सवालों के जवाब दिए हुए हैं इस ऐप के बारे में। लॉग आउट करके आपको वापस लॉग इन करना है तो आपको वो 4 डिजिट वाला पिन डालना होगा जो हमने पहले सेट किया। तो अगर आपको किसी को पैसे भेजने हो तो सेंड दबाइए, फिर आप उसका मोबाइल नंबर डालिए और उसके बाद ऐप वेरीफाई दबाने के बाद वो ऐप चेक करेगा कि जिसको आप भेज रहे हैं उसका भीम में अकाउंट है कि नहीं। तो उसका भीम में अकाउंट होना चाहिए। उसके बाद आप अमाउंट डालिए, यानी कितने पैसे भेजने हैं। तो मैंने डाला 100 रुपये। फिर रिमार्क्स डालिए कि क्यों पैसे भेज रहे हैं। तो मैं लिख रहा हूँ कि गिफ्ट दे रहा हूँ मैं उसको। अब पे पे क्लिक कीजिए। इसके बाद ये आपको आपका यूपीआई पिन डालने को बोलेगा, जैसे मैंने बताया था कि यूपीआई पिन से ही लेन देन हो सकता है, और उसके बाद टिक मार्क करने पे लेन देन हो जाएगा। अब हम देखते हैं स्कैन एंड पे के बारे में। तो मैं उस पे क्लिक करता हूं। अब वापस ये ऐप एक परमिशन मांग रहा है हमारे फोन के कैमरा को यूज करने की, तो अलाउ पे क्लिक कीजिए। अब आप देख सकते हैं कि कैमरा खुल चुका है और अगर आप इसके सामने किसी शख्स का क्यूआर कोड डाल दें तो आप उसे सरलता से पैसे भेज सकते हैं जिसका ये क्यूआर कोड है। तो चलिए अब हम आखिरी फीचर जो कि रिक्वेस्ट है उसके बारे में जाने। तो रिक्वेस्ट में आप किसी से पैसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उसके लिए आपको उसका मोबाइल नंबर डालना होगा और आगे का प्रोसीजर सरल है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से फायदा हुआ होगा। धन्यवाद।